रात्रि कर्फ्यू हटाने की मांग को लेकर जन जागरण सेवा ट्रस्ट के कलाकारों ने किया प्रदर्शन। आज जन जागरण सेवा ट्रस्ट कलाकार समिति रजिस्टर्ड मुरादाबाद की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रात्रि कर्फ्यू हटाने के विषय में समस्त धार्मिक संगीत कलाकारों की ओर से एक बहुत ही मार्मिक ज्ञापन दिया गया, जिसमें सांकेतिक रूप से हारमोनियम एवं ढोलक लेकर माता रानी के जयकारों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। रात्रि कर्फ्यू लगे रहने के कारण सभी संगीत धार्मिक कार्यक्रम बंद होने के कारण आर्थिक रूप से बेहद परेशान हो चुके हैं। गर्दवश से ही देवी जागरण, भजन संध्या, भागवत कथा, सुंदरकांड इत्यादि कार्यक्रम रात्रिकालीन होने की वजह से बंद पड़े हैं। इसी कारणवश सभी कलाकारों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन में ब्रजेश कुमार, अनुराग रोहिला, अमित राज, राकेश शर्मा, श्याम सिंह, पप्पू लहरी, ज्ञानचंद शर्मा, राजेंद्र कुमार, राजकुमार गोस्वामी, राजीव पाल, सुदेश लहरी, देवेंद्र पाल, धर्मेंद्र कुमार लल्ला और ओमकार देवा आदि उपस्थित रहे। जन शर्मा जी, आपके संस्था से हैं। जन जागरण सेवा समिति कलाकार रजिस्टर्ड, क्या समस्या है जी? आज आपने ज्ञापन दिया सर, समस्या तो हमारे आगे बहुत बड़ी है कलाकारों के आगे। जब कर्फ्यू लगा 2 साल के बफे से तो 2 साल के अंदर सारा काम बंद हुआ, लेकिन दिमाग में आ गए हमारे मुख्यमंत्री साहब के पिछले वर्ष उन्होंने खोल दिया था कर्फ्यू, तो 50-60 लोगों को साथ में उन्होंने हमें कार्यक्रम करने की इजाज़त दे दी थी। पहले 100 की, फिर 200 की, उसके बाद फिर 200 की दे दी थी। अब पूर्णतया बंद है, जबकि आप समय कर्फ्यू की इतनी स्थिति भयानक नहीं है, पहले बहुत भयानक थी। हमें चाहते हैं जहाँ शादियों के कार्यक्रम और बड़े बड़े कार्यक्रम जहाँ सड़कों में हो रहे हैं, केवल घरों में ही इजाज़त दे दी जाए 50-60 लोगों के साथ में। थोड़ा कर्फ्यू में आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं, आप भी हमारी आवश्यकता, क्योंकि आपका काम जो है बहुत ऊंचा है, बहुत बड़े आप लोग हैं, आप जरा सी बात को कहीं भी पहुंचा सकते हैं हमारी। आप पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं आपके लिए भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप भी कलाकार हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि हमारी आवाज़ DM साहब तक पहुँचे, हमारे कार्यक्रम खुलें। क्योंकि अभी बीच में 2 महीने पहले बदायूं के अंदर 2 कलाकार हमारे इस चक्कर में आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल बंद है। जब बच्चे भूख से मरने लगे तो 2 कलाकार हमारे खत्म हो चुके हैं। ऐसी स्थिति और भी कहीं होगी, लेकिन जो हमारे संज्ञान में है पेपर के माध्यम से, परेशानियाँ हैं, बहुत परेशानी है। जितने कलाकार हैं कोई कारणवश इकट्ठे ही हो चुके हैं, 2500 लगभग हम कलाकार हैं, 300-400 परिवार इस मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि केवल इसी कार्य पर, धार्मिक कार्य पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं DM साहब के माध्यम से एक बार फिर पुनः, और पत्रकार बंधु आपसे विशेष कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ को जहाँ तक भी हो सके अपने स्तर से, क्योंकि इंसान इंसान के दर्द को समझता है और पत्रकार से अच्छा दर्द कोई नहीं समझ सकता। मैं चाहता हूं हमारी आवाज़ को आप ऊपर तक पहुँचाएँ, ताकि हम लोगों का भला हो, क्योंकि आपके माध्यम से कुछ लोग इस आत्महत्या करने से बच जाएंगे, तो आपका भी कल्याण होगा, आपको भी लोग धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।